उत्तराखंड में सड़क हादसे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कांस्टेबल संजय गुर्जर के परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संजय की पत्नी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। साथ ही सीएम ने डीआईजी को निर्देश दिया कि संजय गुर्जर की पत्नी प्रियंका की पुलिस विभाग में जल्द नियुक्ति की जाए। उत्तराखंड में सड़क हादसे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कांस्टेबल संजय गुर्जर के परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संजय की पत्नी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। साथ ही सीएम ने डीआईजी को निर्देश दिया कि संजय गुर्जर की पत्नी प्रियंका की पुलिस विभाग में जल्द नियुक्ति की जाए। उत्तराखंड में सड़क हादसे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कांस्टेबल संजय गुर्जर के परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संजय की पत्नी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। साथ ही सीएम ने डीआईजी को निर्देश दिया कि संजय गुर्जर की पत्नी प्रियंका की पुलिस विभाग में जल्द नियुक्ति की जाए। उत्तराखंड में सड़क हादसे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कांस्टेबल संजय गुर्जर के परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संजय की पत्नी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। साथ ही सीएम ने डीआईजी को निर्देश दिया कि संजय गुर्जर की पत्नी प्रियंका की पुलिस विभाग में जल्द नियुक्ति की जाए। उत्तराखंड में सड़क हादसे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कांस्टेबल संजय गुर्जर के परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संजय की पत्नी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। साथ ही सीएम ने डीआईजी को निर्देश दिया कि संजय गुर्जर की पत्नी प्रियंका की पुलिस विभाग में जल्द नियुक्ति की जाए। उत्तराखंड में सड़क हादसे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कांस्टेबल संजय गुर्जर के परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संजय की पत्नी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। साथ ही सीएम ने डीआईजी को निर्देश दिया कि संजय गुर्जर की पत्नी प्रियंका की पुलिस विभाग में जल्द नियुक्ति की जाए।